किडनी खराब होने से पहले हमारा शरीर देता है ये 5 संकेत, पता नहीं चला तो गंभीर समस्याएं हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। किडनी के मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। ये समस्या मूलतः बदलती खान पान की आदतों और भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषित पानी और प्रदूषण की वजह से अधिक होती है। हालांकि नियमित दिनचर्या और संतुलित खान पान को अपनाकर इस रोगों से बचा जा सकता है। किडनी शरीर का अहम हिस्सा है। इसका मुख्य कार्य शरीर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर कर बाहर निकालना है और शरीर में केमिकल्स फ्री और हेल्दी ब्लड की सप्लाई को बैलेंस करना है। जब इस पर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो कई बार इसके फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके पीछे की वजह उल्टा सीधा खान पान और गलत आदतें और अनियमित जीवन शैली हो सकती है। किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। खून साफ करना, हार्मोन बनाना, यूरिन बनाना, टॉक्सिन्स निकालना और एसिड का संतुलन बनाए रखना, मिनरल्स एब्जॉर्ब करने जैसे सारे जरूरी काम किडनी करती है। इसलिए एक स्वस्थ शरीर के लिए किडनी का बेहद ठीक होना आवश्यक होता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप किडनी खराब होने से बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर 1, पेशाब में प्रॉब्लम। जी हाँ, पेशाब में प्रॉब्लम होना किडनी खराब होने के लक्षण में से सबसे जरूरी संकेत है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो रहा है तो सबसे पहले पेशाब में ही बदलाव नजर आता है। इस दौरान रोगी के पेशाब का रंग बदल जाता है, रोगी की पेशाब की मात्रा में कमी आ जाती है। इसके अलावा पेशाब कम आना, पेशाब ज़्यादा आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून या पस और पेशाब की पूरी तरह से रुक जाना भी किडनी खराब होने का लक्षण हो सकता है। नंबर 2, चिड़चिड़ापन। जी हाँ, किडनी के खराब होने के लक्षण में चिड़चिड़ापन भी शामिल है। इस बीमारी की वजह से पीड़ित व्यक्ति के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा किडनी की कार्य क्षमता में कमी के कारण पीड़ित व्यक्ति के कमर में दर्द भी महसूस हो सकता है। नंबर 3, थकान महसूस करना। जी हाँ, अगर आप अधिक थके हुए हैं, कम ऊर्जा है या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो रही है तो सतर्क रहें। गुर्दे के कार्य करने में के गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इससे रक्त में विषाक्त पदार्थों और औषधियों का निर्माण हो सकता है। यह लोगों को थका हुआ, कमजोर महसूस कराने का कारण बन सकती है और इसे ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी होती है। नंबर 4, जी हाँ, गुर्दे के खराब होने के शुरुआती लक्षणों में से एक और लक्षण है सुबह सुबह मितली और उल्टी का होना, और इसका पता तब चलता है जब रोगी सुबह बाथरूम में अपने दांतों को ब्रश करता है। इससे व्यक्ति की भूख में कमी होती है और गुर्दे फेल होने के अंतिम चरण में मरीजों को बार बार उल्टी आती है और भूख में कमी होने लगती है।